हंसी क्रोनी, अ सुप्रीम लीडर, मोस्ट आइकॉनिक कैप्टन एंड एम्बेसडर ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। लेकिन आखिर कैसे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे इंस्पायरेशनल फिगर मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गई, जानिए आज की हमारी इस वीडियो में। में आईसीसी ने नस्ली तासुबात की बिना पे साउथ अफ्रीकन टीम पे पाबंदी लगा दी और 21 साल तक साउथ अफ्रीकन टीम किसी भी फॉर्मेट के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाई। हंसी क्रोनी साउथ अफ्रीकन टीम के पहले कैप्टन तो नहीं थे, मगर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के अंदर री इंट्रोडक्शन के बाद जिस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा इज्जत कमाई वो हंसी क्रोनी था। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट लेजेंड ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस ने हंसी क्रोनी पे इंडिया के खिलाफ ODI सीरीज के अंदर मैचेस फिक्स करने का इल्ज़ाम लगाया। 8 अप्रैल को यूनाइटेड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और उनका कहना था उनका कोई भी प्लेयर किसी भी तरह की मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ताहम 11 अप्रैल 2000 को हंसी क्रोनी ने खुद भांडा फोड़ दिया और उनका कहना था कि उन्होंने इनिशियली मीडिया से झूठ बोला और अब वो इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि वो बुकी के साथ रबते में रहे और उन्होंने बुकी से $10,000 से लेके $15,000 तक रिसीव किए। ताहम इनिशियली उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि वो किसी तरह की भी मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, बल्कि उन्होंने उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ रिजल्ट की फोरकास्टिंग के लिए इतने पैसे रिसीव किए। मई 2000 को मैच फिक्सिंग के सारे मामले की जांच पड़ताल के लिए साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने एक कमेटी कायम कर दी। 7 जून को इस कमेटी ने बाकायदा अपना काम शुरू कर दिया और कमेटी के सामने सबसे पहले हर्शल गिब्स पेश हुए। हर्शल गिब्स ने इनकशाफात करते हुए इस बात का इकरार किया कि हंसी क्रोनी ने उन्हें इंडिया के खिलाफ ODI सीरीज के 5वें मैच में नागपुर के मुकाम पे 20 रन से कम रन स्कोर करने का कहा था और उनका कहना था कि हंसी क्रोनी ने उन्हें 20 रन से कम स्कोर करने पे $15,000 देने का वादा किया। इसके अलावा हर्शल गिब्स ने इस सारे मामले के अंदर अपने बॉलर विलियम्स को भी घसीट लिया और उनका कहना था कि हंसी क्रोनी ने विलियम्स को भी ऑफर पेश की थी कि अगर तुम अपने 10 ओवर्स के कोटा में 50 रन से ज़्यादा कंसीड्स करोगे तो तुम्हें भी $15,000 दे दिए जाएंगे। लेकिन हंसी क्रोनी की इस ऑफर को ना ही तो हर्शल गिब्स ने कबूल किया और ना ही विलियम्स ने। विलियम्स अपने 10 ओवर्स का कोटा भी ना मुकम्मल कर पाए और दूसरे ओवर में वो शोल्डर की इंजरी की वजह से मैदान से बाहर चले गए, जिसकी वजह से वो मज़ीद बॉलिंग ना करवा सके, जबकि दूसरी जानब हर्शल गिब्स ने 74 गेंदों पर 53 रन स्कोर कर डाले। इस सारे मामले के एक और विटनेस ऑफ स्पिनर डेरेक क्रोक्स भी इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी जब हंसी क्रोनी ने इंडिया के खिलाफ 5वें मैच में एक ऑफ स्पिनर से पहला ओवर करवाने का फ़ैसला किया। 15 जून को हंसी क्रोनी इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने खुद पेश हुए और उन्होंने अपने बयान में बड़े बड़े इनकशाफात किए। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट का आगाज़ 1996 से किया। उनका कहना था कि 1996 में नागपुर टेस्ट से पहले इंडियन टीम के प्लेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बुकी मुकेश गुप्ता से उनका मुलाकात करवाई थी और मुकेश गुप्ता ने उन्हें नागपुर टेस्ट के 5वें रोज़ जल्दी से विकटें गंवा कर मैच हारने का कहा था, जिसके बदले उन्हें $30,000 दिए जाने थे। ताहम इस सारे मामले से हंसी क्रोनी आउट हो गए और उन्होंने इस फिक्सिंग का तज़करा किसी भी प्लेयर के साथ ना किया। ताहम रिटर्न टूर के ऊपर हंसी क्रोनी को मुकेश गुप्ता ने टीम इंफॉर्मेशन निकलवाने पे $50,000 दिए। हंसी क्रोनी ने अपनी स्टेटमेंट को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए कहा कि सन 2000 के अंदर सेंचुरियन टेस्ट से पहले उनकी मुलाकात एक बुकी मार्लन अरनस्टम से हुई और मार्लन ने उन्हें इनिंग्स डिक्लेयर करने का कहा, जिसके बदले उन्हें अप्रॉक्सीमेटली £50,000 दिए जाने थे। मैच ख़त्म होने के बाद मार्लन ने हंसी क्रोनी से मुलाकात की और उन्हें £30,000 और £20,000 की दो दो अमाउंट्स दी। इसके अलावा एज अ गिफ्ट हंसी क्रोनी को एक लेदर जैकेट भी दी गई। इसके बाद असल मामले में वापस आते हुए हंसी क्रोनी को ने कहा कि उन्होंने नागपुर ODI मैच से पहले बुकी से $1,40,000 लिए, जिसके बदले उन्हें हर्शल गिब्स को 20 से कम रन करने का कहना था
और विलियम्स को 50 से ज्यादा रन्स कंसीड करने का कहना था। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने तमाम तरगवाहान के बयानात कलम बंद करके अपना फैसला सुनाया। 28 अगस्त को उन्होंने हर्शल गिब्स और विलियम्स पे 6 माह के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए। इसके अलावा दोनों प्लेयर्स को 60,000 रैंड्स तक जुर्माना अदा करने का भी कहा गया। 11 अक्टूबर को इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए हंसी क्रोनी पर लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट खेलने या कोचिंग करने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद हंसी क्रोनी ने सितंबर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कमेटी का ये फैसला चैलेंज किया। ताहम 17 अक्टूबर 2001 को अदालत ने उनकी ये एप्लीकेशन सस्पेंड कर दी और इन्वेस्टिगेशन कमेटी का फैसला बरकरार रखा। मैच फिक्सिंग की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला कि हंसी क्रोनी के केमैन आइलैंड पे 70 बैंक अकाउंट्स हैं, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विसेज के सामने भी डिक्लेयर नहीं किए थे। इसके बाद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने हंसी क्रोनी के तमाम तर एसेट्स के खिलाफ जाँच पड़ताल शुरू कर दी। ताहम 2002 के अंदर एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में हंसी क्रोनी वफात पा गए, जिसके बाद इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। 13 साल बाद 22 जुलाई 2013 को दिल्ली के अंदर इस सारे मामले के खिलाफ एक FIR काटी गई और मैच फिक्सिंग के अंदर मुलव्वस तमाम प्लेयर्स के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई।